हमारे किसी भी टेस्टिमनी का जो मेन पर्पज होता है वो लोगों को एजुकेट करना होता है, लोगों को ये बताना होता है कि पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में कितना सक्सेस रेट है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, कैसे ठीक किया जा सकता है, आपकी क्या यूटिलिटी है और वास्तव में टाइम डिपेंडेंसी का क्या रोल है। आज के इस टेस्टिमनी में एक पेशेंट का एक नॉर्मल कन्वर्जेशन है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एम डराना नहीं है, एम आपके नॉलेज को अपडेट करना है कि जब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में OIU और ऑप्टिकल यूरेथ्रोटोमी या फिर यूरेथ्रोप्लास्टी के बाद से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ऐसा सारे केसेस में नहीं होता है। हर चीज़ की अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, हर चीज़ की अपनी प्रोग्नोसिस होती है। जैसे एक आपको हम एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, यदि आप अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए किसी यूरोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं या फिर आपने एकदम डैम श्योर मूड बना लिया कि हमें OIU या यूरेथ्रोप्लास्टी करवानी है, आप जिस डॉक्टर से भी करवाने जा रहे हैं पहले उसके चैम्बर उसके प्रमाइसिस में जाके 3-4 दिन का टाइम दीजिए, यदि मेडिकल इमरजेंसी ना हो। कुछ ऐसे मरीजों से मिलिए जो ऑलरेडी उस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, उनके फीडबैक को लीजिए और ख़ास करके ऐसे लोग जो रिसेंट ऑपरेशन करवाए हैं 2-4 महीने पहले और या फिर जो लोग 1 साल पहले करवाए हैं और या फिर जो लोग 2-4 साल पहले करवा चुके हैं। एक पेशेंट जो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको देगा वो ऑथेंटिक होगा, नॉन मैनिपुलेटेड होगा और वास्तव में वही रियल होगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप किसी ऐसे प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं जिसमें इरिवर्सिबल या फिर पीछे जाने का मौका नहीं होता, भाई आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं इट्स ओके, नहीं ठीक होगा तो आप सर्जरी की तरफ मुड़े, लेकिन जब सर्जिकल इंटरवेंशन किए जाते हैं तो वहाँ से कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस भी शुरू होते हैं, यानी कि आपके पास पीछे जाने का मौका नहीं है। इसी तरह की एक टेस्टिमनी के साथ आज मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। इस टेस्टिमनी को सिंस स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि वास्तव में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के केसेस में क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या उसके डिमेरिट्स हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। एक बात मैं बताने की कोशिश करूँगा, कोई भी डॉक्टर बुरा नहीं होता है, एलोपैथिक होम्योपैथिक जो भी हो, हर डॉक्टर अपनी तरफ से मरीज को ठीक करने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन ये बीमारी की स्टेजिंग या बीमारी के स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ठीक होने वाली है कि नहीं है। यहाँ तक कि कोई भी डॉक्टर बड़ा नहीं होता, कोई भी डॉक्टर छोटा नहीं होता, एक्सपीरियंस मैटर करता है, इस बात को मैं मानता हूँ। कई लोग हमसे भी बताते हैं, सर लखनऊ में एक बहुत रिनाउंस डॉक्टर हैं जिन्होंने आज तक सर्जरी की, कोई भी फेल नहीं हुआ। उसके बाद किसी ने बताया, सर दिल्ली में कोई पर्टिकुलर डॉक्टर हैं, कभी उनकी सर्जरी फेल नहीं हुई। कभी किसी ने CMC वेल्लोर का एग्जांपल दिया, किसी ने बेंगलुरु का एग्जांपल दिया, किसी ने मुंबई का एग्जांपल दिया। ये जो एग्जांपल दिए जाते हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन यदि हमें कॉमन ओपिनियन लेनी है इनके लिए, आप जितने ज़्यादा लोगों को टच करेंगे उतना ही आपको ऑथेंटिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो दैट्स वाई इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझने की कोशिश करिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप क्या कर सकते हैं इस बीमारी के रिकवरी के लिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़, सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ प्रिकॉशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी से। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बाकी लोगों से शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फर्दर वीडियोज़ के लिए हमेशा अप टू डेट रहिए। किसी के पास जा रहे हैं दवाई लेने तो वो बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन, जैसे पेशाब के नहीं पेशाब थैली में इन्फेक्शन है, दवाई देते सही होने लगती है। सबसे पहले 2016 और उसके पहले की कहानी बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिक्कत हुई उसके बाद आप लखनऊ मूव किए। नहीं, उसकी फर्स्ट टाइम मुझे मतलब 2013 में एक बार यूरिन बंद हो गई थी, तो मतलब सरकारी अस्पताल गए थे तो वहाँ पे मुझे दवाई थी, मतलब कैथेटर डाल के यूरिन पास किया तो कैथेटर सही तरीके से जा नहीं रहा था, तो मैं उसको बताया कि डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ दूसरे एक अच्छे अस्पताल में, तो वहाँ गए अपने यहाँ हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर हमारे रिश्तेदार रहते थे तो बड़े डॉक्टर थे सर्जन, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो इन्फेक्शन निकला, कहने इन्फेक्शन है, दवाई दी महीना भर तक, कहने ठीक हो गया, तो यूरिन तो होने लगी थी लेकिन ये समस्या बिल्कुल जड़ से नहीं समाप्त थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद किसने सलाह दी डॉक्टर दलेला से दिखाने के लिए 2016 में? मेरे एक रिश्तेदार थे तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत होती है तो लखनऊ आओ तो हम वहाँ दिखवा दें, अच्छे डॉक्टर हैं, तब वहाँ गए थे यूरोलॉजिस्ट में, तो
उन्होंने फिर आरजीओ करवाया था और जांच करवाई थी, ठीक तो है, बताया था स्ट्रक्चर है तो इस पे दूरबीन से ऑपरेशन हो जाएगा, सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑपरेशन हो गया था उसके बाद में 3 साल तक की किताब भी देते थे कि मतलब कैसे क्या कोई डाउट हो तो उसमें पढ़ लो, 3 साल तक के सीआईसी करने के लिए बोला था। ठीक है, 3 महीने डेली, फिर 3 महीने एक दिन छोड़ के, फिर 3 महीने मतलब हफ्ता में 2 दिन, ऐसे ऐसे मतलब टाइम बढ़ता गया। ठीक है, मैं 1.5 साल तक के लगभग मैं क्रॉस कर चुका था, उसके बाद में फिर दिक्कत होने लगी। फिर गए वहाँ लखनऊ में तो फिर बोले कि मतलब फिर से जांच करवाओ, फिर से ऑपरेशन हो जाएगा, तो हम फिर गए ही नहीं वहाँ पे दोबारा, हम फिर गया बस। ठीक है, अच्छा, जब उसके बाद 1.5 महीने 1.5 साल बाद दोबारा ये दिक्कत होने लगी, फिर दोबारा दिक्कत होने लगी थी सर, मैंने मोबाइल पे ऐसे देखते थे वीडियो, तो इसमें होम्योपैथिक का मतलब बहुत जिक्र करते थे कि बिल्कुल सही हो जाता है, तो हमने किसने 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 ये बात बताई कि होम्योपैथी से बिल्कुल सही हो जाता है? नहीं, अभी तो मुझे आपका चैनल देखा तो ऐसे देखते ही रहते थे मोबाइल पे, जब दिक्कत थी मुझे, उसके बाद में 2016 के बाद में जब ऑपरेशन करवा लिया उसके बाद में मुझे दिक्कत फिर से होने लगी थी, उसके बाद में हम ऐसे मोबाइल पर देखते थे तो देखते थे कि मतलब इससे होम्योपैथिक तो बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट, और कभी दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने फिर दवाइयाँ भी बताते थे मतलब जो डॉक्टर, बहुत सारे चैनल हैं कि ये दवाई क्लाइमेट कैंथ्रेस ऐसे ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ, तो अपने आप सर लेके हम यूज किए हैं, किसी वहाँ यूज किया, हमारे नज़दीक में है भी नहीं, ये बांगर वहाँ पड़ता है, तो वहाँ जाते थे डॉक्टर होम्योपैथिक 35-36 साल कह रहे थे हमको एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई डिग्री वगैरह जो भी हो ना हो हम तो नहीं जानते हैं, उन्हें अपनी दिक्कत बताते थे लेकिन मुझे ये दिक्कत होती थी, वो जानते नहीं थे कि ये क्या होती है, मतलब उनको उनको खुद नहीं मालूम था कि ये क्या दिक्कत होती है। हाँ, उनको भी नहीं मालूम था, तो हम दवाइयाँ बताते थे, फिर उनको हम ऐसे ही अपनी भाषा में बताते थे कि हमें पेशाब में दिक्कत होती है, पेशाब में नली में मांस बढ़ जाता है, इसे मतलब उनको बता देते, कहते ये दवाई यहाँ खाओ, सूजा है ये वो फलान दिमाग, तो लेते रहते थे, तो थोड़ा बहुत कभी लगता था कि आराम मिल रहा है, तो कभी लगता था फिर से वही दिक्कत हो रही, तो इसे 3.5 साल क्रॉस कर दिया हमने धीरे धीरे। फिर जब उसके बाद में मुझे इतनी दिक्कत होने लगी सर कि जैसे रात में लेटते हैं तो पेशाब बिल्कुल जैसे बंद, जोर लगाने भी नहीं होती थी जैसे, और उसके बाद लेकिन बेड पे जब लेटते हैं उसके बाद में रात में अपने आप लीकेज पेशाब हो जाती, लीक हो जाती है। हाँ, तो ये 5-6 महीना तक ये समस्या बहुत ज्यादा रही, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने सोचा कि बहुत ज्यादा गंभीर समस्या की, महीना में कम से कम 10 दिन तो सही रहते हैं, 20 दिन पेशाब ही बंद हो जाती थी मुझे। फिर उसके बाद में हमने सोचा कि कोई अच्छे डॉक्टर से अब यूरोप्लास्टिक करवाए, ऐसे कुछ होम्योपैथिक से भी कुछ नहीं होगा, तो PGI का सोचा लखनऊ में, तो वहाँ पे लेकिन अब बहुत टाइम लगता है, मुझे दिक्कत इतनी ज्यादा थी कि वहाँ एक दिन दारू था मुझे, तो वहाँ सोचा कि अब वहाँ टाइम देंगे, डेट देते हैं कि 1-1.5 साल लग जाएगा, रिश्तेदार में रहते थे बोले कि हाँ, तो हमने कहा इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, दिक्कत मुझे ज्यादा है कि एक दिन दारू है, हमने उन्नाव में कंसल्ट किया था डॉक्टर से, उन्होंने बताया कि यूरोप्लास्टिक हो जाएगी मुझे, मेरे पास जब इतने आए हैं मरीज कहने किसी को दिक्कत तो हुई नहीं है, हमने कहा कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी उसके बाद में भी, नहीं दिक्कत तो नहीं होगी हमारे पास, इतने कर चुके हैं 11 साल तक, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन जब किया उसके बाद में पता नहीं कैसे क्या किया, 1 महीना बाद जब हमारा कैथेटर निकाला तो जहाँ टाका लगे थे तो उससे नीचे से यूरिन निकलने लगे, तो उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गए, कहने कैथेटर पहले निकाल दिया, तो निकाला तो आप ही नहीं था, कहने के फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा तुरंत ही 1 महीना बाद, कहने फिर कहने के चलो भरोसा रखो, दवाइयाँ वगैरह दी, फिर कैथेटर डाल दिया 1 महीने के लिए, उसके बाद में फिर कैथेटर निकाल दिया 1 महीने बाद, ठीक तो हो गए, यूरिन नहीं नीचे से लीक कर, सब सही हो गया, फिर 1 महीना खा दवाई खाई थी तो बिल्कुल सब सही चलता रहा, 6-7-8 महीने लगभग हम विदाउट दवा के रहे, उसके बाद में 6-7 महीने बाद मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत महसूस हुई, फिर से एक बार गए तो फिर दवाई ले आए, उसके बाद में इसे सीरप वगैरह नीजी है सीरप हल्का सा, फिर यही यूज करते रहते थे, हमने सोचा कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता होगा, डॉक्टर साहब यही दवाई देते थे। अब उसके बाद में अभी की ठंडी हुआ तो चलो ठीक है, जब ये गर्मी चालू हुई अभी सबसे ज्यादा मुझे होली से दिक्कत होने लगी कि
वही 3-4 दिन के बाद पेशाब बंद हो जाना या तब बिल्कुल नहीं बंद होती थी, जैसे जो लगाते हैं तो हल्की पतली धार में होती थी पेशाब। अच्छा, 3 बेसिक इन्वेस्टिगेशन लिख लें बेटा, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करवा लो, यूरिन की कल्चर सेंसिटिविटी करवा लेना, अगली बार तक हमें रिपोर्ट दे देना, और KFT GFR करवा लेना। हमें ये देखना है कि इतने दिन तक एक्सपेरिमेंट करते करते कहीं किडनी तो नहीं डैमेज हुई है।